अरे यार, ये तो किताब पढ़ रही है, देखते हैं। श्रेया, श्रेया, भूख लग रही है कुछ। अभी तो हाँ, खाया है यार 2 घंटे पहले। थोड़ा सा यार, कुछ तो कुछ बीच में खा लेते हैं। यार तू बड़ा कुछ बना फिरता है, बना ले, खुद ही बना ले। कुछ बनवा दो ना यार कुछ। पिएगा? हाँ, जूस बना लो, जूस बनाते हैं। मैं अब करवा दूंगा थोड़ा बहुत काम जो है। इम्यूनिटी तो बच गया, 12-1 बज रहे हैं और अभी अचानक से जूस, कुछ तो भूख सी लगी तो हमने सोचा जूस बना लेते हैं। और जूस का डिसीजन हम लोगों ने इसलिए भी लिया है क्योंकि हम एक नया ये कोल्ड प्रेस जूसर मंगाया है हमने 2 हफ्ते पहले, और तब से अंधाधुन जूस पे जूस बन निकाले जा रहे हैं। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं नीचे लगा दूंगा जाकर के इस टाइम अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा ये जूसर से। तो पियेंगे मौसमी का जूस, है ना? मैंने कहा कितनी निकालो, 15-20 15-20 10 तो लगेंगे, 5 मौसमी में 1 ग्लास बन रहा है। 5 मौसमी का 1 ग्लास बनता है। तो मौसमी निकाल लिए जूस के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे मौसमी का जूस बनाने की विधि, क्योंकि ये इतनी आसान चीज है कि ये तो मैं खुद ही बना दूंगा। अब क्या बनाओ भाई। करोगे सबसे पहले? सबसे पहले हम लेंगे एक थाली चाकू और मौसमी को एकदम ऐसे काट रहे हैं थाली में रख के काटो तो बेटर होगा, क्योंकि नहीं तो मुझे साफ करना पड़ेगा जमीन। मौसमी को बिल्कुल ऐसे काट रहा है जैसे मान लो घर में एक प्लॉट है और दो भाइयों की लड़ाई होगी, तो एकदम एग्जैक्टली सेंटर में से जो लाइन बनती है ना, बस एग्जैक्टली उस हिसाब से मौसमी को। अब आप सोच रहे हो कि हम इसका वो वाला बोर्ड यूज क्यों नहीं कर रहे, वो जो बोर्ड से कटिंग चॉपिंग बोर्ड होता है ना। ये रहा पीछे तेरे। अच्छा वो है, पर छोड़ो यार, मैं कौन करे। स्टील की प्लेटों का बेस्ट पार्ट थोड़ा देख के लगता है कि गुर्बत में जिंदगी चल रही है, पर उसी में काटा हो उसी में लगा लो। डालेंगे मौसमी का जूस अपना नई कोल्ड प्रेस की मशीन में। जब से ये आया है मैंने अपने सब दोस्तों को फोन करके दिखा दिया कि क्या तगड़ा माल घर में आ गया। इसके लिए कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है, पूरे बनाते बनाते मोर बन सकते हैं आप। तो इतना मस्त जूस निकलता है मैं क्या ही बताऊँ। कसम से ऐसा लग रहा है कि ये कोई रेडी नहीं होती चाय लिखा होता है, हर प्रकार के जूस मिलती है। अरे भाई टूट ही हो जाते हैं दो जूस में। अब अगला देखते हैं श्रेया, ये इट्स योर चॉइस कि आप लोग हमें बता सकते हैं कि कौन ज्यादा बेटर जूस निकाल रहा है। तो हम लेंगे ये आधा कटा हुआ मौसमी, हाँ। और मैं धीरे ऐसे ग्रेसफुली से निकालना, बनने की कोई जरूरत नहीं। ये देखा, ये पतली से धार निकल रही है जूस की, इनका जूस भी बूंदों में बाहर आ रहा है। बताओ आप एकदम ग्रेसफुली निकालिए, गौरव की तरह ऐसे, जाहिलों की तरह जूस निकाले एकदम ऐसे ऐसे हाँ, धीरे धीरे करके, ताकि जूस ही 3 मिनट में बनी है। ये देखो इनका जूस भी वही निकल रहा है, पूरा क्लासी वाला, इसमें से डबल निकल रहा था मेरा कम से कम। बस अनार मार्केट में 300 रुपए किलो मिल रहा है और 1 किलो में एक ही गिलास जूस निकल रहा है। इससे अच्छा तो मैं पानी वाला मिक्स वाला पी लूंगा। हाँ, कहाँ गया आपका ग्रेस? चौथी मौसमी तक ना सारा ग्रेस निकल जाता है। फिर होता है निकल साले जल्दी। आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर टू पीपल, राइट? और ये निकला दूसरा ग्लास, इतना शिट, जितना कि एक टेस्ट का सैंपल निकलता है। इस जूस को टेस्ट के लिए भेजेंगे और ये वाला जूस हम मत पिएंगे। थोड़ा सा जूस कम पड़ गया, थोड़ा और जूस निकालेंगे। आराम भाई, ज्यादा जूस में ना आए, खुशी को ढंग से इस्तेमाल करो। वो 2 ग्लास ऑफ जूस। तो अभी से ये जूस तो ऐसे रेडी हो गया है, हाँ। बट सादा सादा अच्छा नहीं था, इसे थोड़ा चटपटा बनाने की आदत। हाँ, क्योंकि इम्यूनिटी तो अपनी जगह है, पर एक जो चटकोरे वाला तड़का लगता है ना, उसका अपना स्वाद है। अच्छा, मैं कई बार ये वीडियो बनाता हूँ, लोग पूछते हैं तुम अपने मसाले फ्रिज में क्यों रखते हो। श्रेया बताना मसाले फ्रिज में क्यों रखते हैं। मसाले इसलिए रखते हैं कि वो ना लम्स नहीं फॉर्म होते हैं, वो थोड़े ड्राई रहते हैं मसाले, तो ऐसा लगता है जैसे फ्रिज में ह्यूमिड है, बट वो ह्यूमिड नहीं होता, फ्रिज इज एक्चुअली वेरी ड्राई है। तो आपको अगर कुछ भी ऐसी चीजें, नमक को अगर आप बाहर रखोगे तो मॉइस्चर लेके वो एकदम लम्स फॉर्म हो जाते हैं, अगर आप उसे फ्रीजर में रखोगे या फ्रिज में रखोगे तो एकदम दाने मतलब वो रहेगा, जैसे नॉर्मल होता है नमक वैसे ही। अभी मैं इसे बाहर में काला नमक 2 मिनट में ये इसके लम्स फॉर्म हो जाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है इसमें, थोड़ा काला नमक उसको, काला नमक की आपको तो वीडियो में खुशबू नहीं आ रही, मैं तो खुशबू से ही मन मजा आ गया। और थाली का तो नमक भी डाल देंगे। बस गाइस, काला नमक थोड़ा ज्यादा ना डाल दे, क्योंकि काला नमक का साइड इफेक्ट भी काफी तेज और काफी जल्दी पता चलते हैं। दोपहर को 12 बजे एक ग्लास इम्यूनिटी बूस्टर, कपूर जी का मशहूर, चलो शर्मा जी का, कपूर शर्मा जी का, कपूर जी का मशहूर इम्यूनिटी बूस्टर जूस। चीयर्स। चीयर्स गाइस। कपूर जी का जूस जिंदगी खुशनुमा बना दे, मुझे पता चल रहा है मेरे अंदर इम्यूनिटी का प्रवाह हो रहा है। देखो मौसमी का जूस तो हमने पी लिया,
लिया, मजा आया, खूब अच्छा लगा, इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। पर शाम को ना मेरे अंदर एक और चुल मचती है, कुछ और शाम को पीने को मिल जाए और मैं चाय पीता नहीं ना कॉफी पीता हूँ, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे ये फ्रेश बेल का शरबत, मैं भिगाएंगे शाम को, जब तक भीग जाएगा फिर मैं बताऊंगी कैसे। इसको एक्चुअली भिगो के एक डेढ़ घंटा रखना पड़ता है ताकि सॉफ्ट हो जाए। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बुढ़ापल। बुढ़ापल, जैसे कि हमने आपको मौसमी की खूबियां बताई, हम आपको बुढ़ापल की भी खूबियां बताएंगे। बुढ़ापल जो है ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिन्हें भी गैस्ट्राइटिस या कुछ भी पेट की प्रॉब्लम है, गैस होती है, 30 साल के बाद इंसान को गैस की जरूरत याद रहती है कि मुझे कुछ भी करके गैस की दिक्कत ना हो, एसिडिटी या कुछ भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, मतलब आपका वुड एप्पल बहुत बढ़िया चीज है ऐसा लगता है। और वुड एप्पल सुनने भी लगता है आप किसी स्कॉटलैंड के शहर में जाके बैठ के कोई तो अच्छा बढ़िया सा वाइन या जूस बना रहे हो। तो वुड एप्पल का जूस शाम के लिए तैयारी है, पर हम अभी से करके थोड़ी सी रख देंगे ताकि श्रेया शाम को चाय पी लेती है अपना बिस्किट डुबो करके, मेरे को कुछ लगता है। तो इसीलिए श्रेया आप ऐसे खड़े जैसे संजीवनी बूटी लेके खड़े थे, पहली चीज क्या करनी होती है? ये देखिए ये बहुत ही नारियल के जैसा है, तो अभी सबसे पहले हम लेंगे कड़ा रहता है कड़ा, अरे यार अब इसे थोड़े कैसे चक्कर नहीं लेंगे, अभी हम भगवान का नाम लेकर इसे करेंगे। कभी कलेश होता तो श्रेया ये बुढ़ापल घर में रखती ताकि मेरे सर पे ही फोड़ पाए। उसके बाद ना कि इसे ब्लंट सा कुछ चाकू ले लिया, कुछ भी शार्प चीज ले लिया, और इसे आराम से ये ना दिखाओ, ये ऐसे करके निकल जाएगा। तो बहुत ज्यादा अंदर से मत निकालो क्योंकि अंदर का ना पार्ट खारा होता है थोड़ा, अच्छा। तो ऊपर से उसका वो निकाल लो, आई थिंक उसको। ये बहुत ही अच्छा बुढ़ापल आया हमारे सब्जी वाले ने, हमारे फ्रूट्स वाले ने। अरे भाई साहब आपकी किस्मत है जो आप ये देख रहे हो आज। ये तो ये पूरा बुढ़ापल हमने निकाल लिया, अब हम इसमें डालेंगे काफी ज्यादा पानी। तो ये बुढ़ापल के लिए हम ये जग में पानी ले रहे हैं, आई थिंक एक जग पानी लग जाएगा इसके अंदर। ये थोड़ा सा पतला पतला ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ये ठीक अच्छा नहीं लगता, मैं प्रेफर करती हूँ कि पतला सा जूस हो, किसी को अगर थिक जूस चाहिए तो थिक भी कर सकते हैं। तो वुड एप्पल को काटना तो एक इम्पोर्टेंट काम है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम एक बेल के शरबत में है पानी डालना। एक जग पानी में ये एक्चुअली पतला, जैसे पतला बनेगा थोड़ा, अगर किसी को थोड़ा थिक चाहिए तो थिक भी कम पानी डाले। फिर हमने तो एक जग डाला है ये एक बेल के शरबत में, मीडियम साइज बेल के शरबत में। तो एक बेसिकली एक बेल में आपको एक जग पानी करीब इसमें डाल दो और भिगो के इसे अब हम इसे साइड में रख देंगे अपना। अब एक बेल में हमने डाला था एक जग पानी, विच आई थिंक इज गुड एनफ। और ये इसे हम ठंडा करने के लिए अब इसको रख देंगे हम फ्रिज में, फ्रिज में ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा पानी, क्योंकि पानी है उसमें। और एक चीज जो बाहर जैसे सड़कों पे मिलता है वो आई थिंक ग्राइंडर ब्लेंडर यूज करते हैं वो बनाने के लिए, बट मैं यहाँ पे हाथ यूज कर रही हूँ और मैं इसे सबसे पहले बहुत अच्छे से धोलूंगी ताकि कोई धोखा ना हो। श्रेया हमें बताएगी कि बेल के शरबत के लिए सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें धोना है अपने हाथ बहुत अच्छे से, जो कि आपको पता चलेगा मैं ये क्यों बोल रही हूँ। कैसे कुकिंग चैनल की तरह आपने वो दिखाना है एंथुसियाज्म। ये आप देख सकते हो हमने जो बेल भिगोई थी सुबह अच्छे से वो हो गई है, ये फूल गया है बहुत बढ़िया से। अभी बहुत हल्के हाथ से बेल को मैश करना होता है इसमें, नहीं तो ये खारा हो जाता है। खारा टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा चलो, तो ये अभी एकदम सॉफ्ट हो गया, अभी मैं धीरे धीरे बिल्कुल मैंने अपने हाथ वैसे मैं वापस बोल रही हूँ बहुत अच्छे से धो लिए हैं, सो प्लीज डोंट बी ग्रॉस्ड आउट। ये वैसे बेल काफी अच्छी थी। तो ये शरबत ही बन रहा है क्या जो बन रहा है इसके अंदर? ये अभी मैं इसे छान लूँगा, बस इसका निकल जाएगा। तो एक बार जब अपना ये वो जो वो वाला कुचड़ वाला काम था वो हो जाए, उसके बाद आपको ये बेल उठानी है। जैसे कि मैंने बोला हल्के हाथ से करना क्योंकि बहुत ज्यादा करने से फिर खारा हो जाता है। मौसमी का जूस भी और बेल का शरबत भी जैसे ही आप बनाओ वैसे ही उसमें चीनी डाल के फटाफट पी लो इसे, लाइक यू कैन नॉट स्टोर इट। एक्चुअली ये जो वाटरी कंसिस्टेंसी है ये बेस्ट है बेल के शरबत की। तो ये बहुत ही सुंदर कलर आ गया, ये देखिए अब इसमें हम मिलाएंगे चीनी। तो ये बहुत हेल्दी है बट इसमें डालेंगे बहुत सारी चीनी क्योंकि बिना चीनी के मजा नहीं आता है। तो एक चम्मच लो, दो बड़ी चम्मच और ये दो बड़ी चम्मच चीनी। अब इसे हम वो कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ठंडा है अभी, तो इसे चीनी मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये ऐसे ही देखो कितना हार्डवर्क वाला कुकिंग करी हमने,
कम जो एक सवेरे एक तो जूस निकाला था वो पीछे की मशीन दबा के, शाम को बेल बोकर बेल का शरबत निकला है, बस बेल में से बेल निकाल करके हम कुल मिलाकर के इस तरीके की सस्ता सस्ता सामान ढूंढते हैं जो जल्दी जल्दी बने और स्वाद आता रहे पूरा। पानी ठंडा था तो चीनी भूनने में थोड़ा टाइम लगे, इसे हमने 10 मिनट के लिए रख दिया है, चीनी अच्छे से भून जाएगी, उसके बाद हम इसे डालेंगे ग्लास में और गटागट पियेंगे तो भी रख दिया है घोल करके 10 मिनट तक ऐसे कैसे रहेगा। चीनी घुल चुकी है और क्या बोला था आपने, चीनी मिला के रख दिया 10 मिनट बाद हम इसे दोबारा खोल के मस्त एक ग्लास बेल का शरबत बस आम। नमस्कार, तो दोस्तों हमने डाल लिया बेल का शरबत इन बहुत ही बढ़िया से विस्की ग्लास में, तो हम इसमें बस चीयर्स करेंगे और बेल के शरबत पिएंगे, दिन में हेल्थ रात को विस्की। काफी तगड़ा।